चैनल को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इस्लामिक वीडियो है दबा के शेयर करें। कहते हैं दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो नसीब को बदल सकती है। कभी कभी अल्लाह हमें देने में देर करता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अल्लाह को हमारा मांगना पसंद आ जाता है। कभी ये नहीं सोचा करें कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करता। कभी कभी अल्लाह को हमारा रोकर मांगना बेहद पसंद आ जाता है। और अगर अल्लाह हमें दुआओं की तौफीक देता है या आपको दुआ की तौफीक दे रहा है तो यकीन रखें कि वो कबूल भी करेगा। जो रब आपकी दुआओं में उस शख्स को लिख सकता है वो आपके नसीब में भी लिखेगा। अगर अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो सब्र रखें और अल्लाह पर यकीन रखें कि दुआ की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह दुआ की तौफीक भी देता ही उन्हें जिनकी दुआ को वो कबूल करना चाहता है। यकीनन मौजज़े होते हैं मगर उनके लिए जिन्हें अल्लाह पर यकीन होता है। बस आप अल्लाह पर यकीन रखें क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है आपको कैसे देना है और कब देना है, क्योंकि वो रहमान है। मांगो तो नवाज देता है और ना मांगो तो बेहिसाब देता है। जो नसीब लिखने पर कादिर है वो उसे बदलने की भी कुदरत रखता है। आप दुआ करते रहें इस यकीन के साथ कि पता नहीं अल्लाह कब हमारी दुआओं पर खून फरमा दे और हमारी तकदीर बदल जाए।